वार के लिए ऋतिक ने रखी थी एक बड़ी शर्त और वो थी कि टाइगर के न होने पर वो इस फिल्म को नहीं करेंगे। जस्ट वार में ऋतिक और टाइगर आपस में भिड़ने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक ने एक बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि सबसे पहले मैंने ही इस फिल्म के लिए टाइगर का नाम सुझाया था। जस्ट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन एक बड़े सुपरस्टार है और ये सब मानते भी है, और वहीं दूसरी तरफ यंगर स्टार टाइगर श्रॉफ जिन्होंने कि बड़े बड़े स्टारों के बीच अपनी जगह एकदम पक्की बना ली है, और इसमें ऋतिक और टाइगर पहली बार वार में आपस में भिड़ते दिखेंगे और इस फिल्म को देखने के लिए फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये हाल ही में ऋतिक का किया हुआ एक बड़ा खुलासा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस फिल्म में पहले मैंने टाइगर को प्रेरित किया और अब टाइगर मुझे प्रेरित कर रहा है, और इसमें सुपर 30 के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया था और इसमें मैं सोच रहा था कि किस तरह से वापस से वापसी करूँ, और इसमें मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी जो कि फिर से मुझे फुल कॉन्फिडेंस में और एकदम सशक्त बनाए, क्योंकि मैं काफ़ी दर्द में था, यहाँ तक कि मेरे जोड़ों में भी दर्द हो गया था। और इसमें सिद्धार्थ आनंद ने फिर मुझे वार के लिए संपर्क किया और मैंने इस फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन लास्ट में एक शर्त रखी और यह फिल्म की स्क्रिप्ट मिलने पर सिद्धार्थ और आदित्य से कहने के लिए मेरे पास एक चीज़ थी। मैंने उनसे कहा कि ये फिल्म मैं तभी कर रहा हूँ जब टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में होंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि टाइगर श्रॉफ केवल ऐसे स्टार है जो कि इस फिल्म में मेरे सामने खड़ा हो सकता है, और इसमें इस फिल्म में टाइगर के बराबर होने की मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन शायद टाइगर ही हमेशा आगे रहा है। लेकिन एक बात अच्छी रही कि हम दोनों ने इस फिल्म के लिए एक दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों जहाँ हमेशा से टाइगर श्रॉफ ऋतिक के साथ काम करना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक ने ही इस फिल्म के लिए टाइगर का नाम सबसे पहले सुझाया और बताया कि वो इस फिल्म में टाइगर के अपोजिट ही खड़ा होना चाहते थे और किसी दूसरे एक्टर के अपोजिट नहीं। तो यहाँ ऋतिक की वजह से ही हम वार में ऋतिक और टाइगर को एक साथ देख पा रहे हैं और ये जोड़ी काफ़ी कमाल की रही। और यदि ऐसे में देखें तो वार में ऋतिक और टाइगर के अलावा और कोई दूसरे एक्टर परफेक्ट होते भी नहीं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।